हमारा जो ब्लड होता है ना उसको मूव करने के लिए प्रेशर चाहिए। अब हमारा ब्लड क्यों मूव करेगा आर्टरीज में या वेन्स में? उसको प्रेशर मिलेगा तभी तो मूव कर सकता है ना। अब वो प्रेशर कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या करता है? सिंपल एक प्रेशर प्रोवाइड करता है। जैसे पानी होता है ना भाई, पाइप के अंदर पानी चल रहा है, पर क्यों चल रहा है? पॉसिबल है क्या भाई? ग्राउंड से आप थर्ड फ्लोर पर आपने सिंटेक्स वगैरह अरेंज किया होगा, वाटर स्टोरेज टैंक रखा हुआ है, तो ग्राउंड से इतनी हाइट पर पानी कैसे चला जाएगा? मोटर लगाना पड़ेगा ना उसके लिए आपको। तो मोटर क्या करता है? पानी को पंप करता है। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड पाइप के अंदर, भाई पाइप भी बोल सकते हैं वैसे तो, पर उसको डक्ट बोलते हैं, आर्टरीज और वेन्स। तो ब्लड जो है प्रेशर से मूव कर रहा है, पर उसमें प्रेशर कहाँ से आया? वो प्रेशर आ रहा है हमारे हार्ट की वजह से। तो सिंपल हार्ट क्या करता है? एक प्रेशर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ब्लड मूव करता है। जब ब्लड मूव करेगा तो सोचेगा खाली क्या जाना, किसी चीज़ को साथ ले चलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है या फिर CO2 का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से हम बोलते क्या है शॉर्ट में कि ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट कराने का। ठीक है, चाहे वो मिनरल्स हो या फिर ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, कुछ भी हो, अमाइनो एसिड वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर कुल मिला के बात ये आ रही है ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, क्योंकि इसमें प्रेशर आ रहा है। प्रेशर कहाँ से आ रहा है? हमारा हार्ट प्रोवाइड कर